नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश के पहले विज्ञान चैनल विज्ञान आओ करके सीखे। आखिर क्यों मनाया जाता है खास दिवस, जानिए कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। दुनिया भर में लुप्त हो रहे वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजाति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस खास दिवस पर दुनिया भर की सरकारें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान आयोजित करती हैं। वही संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल अलग अलग थीम से इस खास दिवस को मनाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास दिवस के मौके पर ट्वीट कर वन जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना की है। कैसे हुई इसकी खास दिवस की शुरुआत, चलिए करते हैं बात। दुनिया भर से लुप्त हो रही जंगली फल फूल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशन ने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में यह तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और विश्व वन्य जीव दिवस की थीम संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस साल विश्व वन्य जीव दिवस की थीम के रूप में धन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। बता दें कि पिछले साल 2020 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम पृथ्वी पर जीवन कायम रखना रखी गई थी। वहीं से पहले साल 2019 में पानी के नीचे जीवन लुप्त हुए और ग्रहों के लिए की थीम पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक 6 करोड़ वर्ष पहले जब इंसान नहीं थे तब के मुकाबले आज 1000 गुना ज्यादा तेजी से प्रजातियों की संख्या घट रही है। इस रिपोर्ट का कहना है कि फिलहाल जो कुछ भी रह गया है उसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे फंड WWF की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ताजे पानी में रहने वाले जानवरों की नस्लों में सबसे तेजी से कमी हुई है। साल 1974 से लेकर 2018 के बीच करीब 84% की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक खास बात है। विश्व वन जीवन को बचाने की जरूरत है और फल हो फूल हो पेड़ हो पौधे हो और अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु जानवर इन सबको बचाना है। जहाँ इंसान को बचाने की भी जरूरत है वहीं सभी जीवन को भी बचाने की जरूरत है। यही कारण है कि 3 मार्च को हम सब लोग ये दिवस मनाते हैं। और आप सब लोग रखिए ख्याल, बचाइए फूल पौधों को पक्षियों को जीव जंतुओं को और साथ में इंसानों की सोच को। नमस्कार। प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।